नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रांबिक न्यूज चैनल सच का साथ। खबर जलौन, उत्तर प्रदेश सीआरए जलौन माधोगढ़ रेड नौकरी का झांसा देकर अवैध असूली करने वाले चार आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। देखिए मैं रिपोर्ट। उक्त मामले को लेकर मानवेंद्र सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी कुसमरा थाना रेंडर के द्वारा एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया गया था, जिसमें नौकरी का झांसा देकर उसके भाई बहन ने फर्जी सर्टिफिकेट बीएड शिक्षा में तुम्हें नौकरी दिलाने के एवज में 20 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इस तरह से अन्य लोगों को भी चूना लगाकर फर्जी तरीके अपनाते हुए प्रशासन के नाक के नीचे से फर्जी नौकरी की चाल साजगी पर फर्जीवाड़ा की एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे, जिस पर माधोगढ़ सीओ साहिदा नसरीन ने पर्दाफाश करते हुए चारों शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। उक्त मामले का खुलासा करते हुए शाहिदा नसरीन ने बताया कि चारों आरोपी काफी समय से फर्जी नौकरी दिलवाने के बहाने मोटी रकम ऐंठ रहे थे। नसीम अहमद प्रबंधक अमर सिंह और एक प्राइवेट टीचर राम प्रकाश, और साथ ही राम सेवक जो रिटायर्ड टीचर है उनके दो बच्चे शामिल थे, जिनका नाम मानवेंद्र और वीरेंद्र। इनके द्वारा मानवेंद्र और उसकी बहन रजनी से फर्जी सर्टिफिकेट तथा नौकरी लगाने के लिए झांसा देकर 10-10 लाख रुपए की मांग की गई, जिसको मानवेंद्र और रजनी ने पूरा किया, इनके द्वारा दिया गया। और हमारे द्वारा छानबीन तक ये पता चला कि ये सत्य घटना है, क्योंकि मानवेंद्र ने बताया है। और ये जो भी आरोपी हैं इनको पकड़ लिया गया है। दो जो शिक्षा मित्र हैं उनको फरार हैं, उनको भी पकड़ लिया जाएगा जल्दी, और इन पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की। तो मैडम, इनके ऊपर और भी कोई मुकदमे लिखे गए हैं? अभी तक तो ऐसा कोई मामला प्रकाश में हमारे सामने नहीं आया है, और आने मामले, लेकिन अगर कोई जो भी हो इनके जब नाम सामने आएंगे आप माध्यम से, तो डेफिनेटली जो लोग हों इनके झांसे में आए हों वो आकर हमें अपनी बातें बता सकते। किस पद के लिए मैडम नौकरी की झांसा दिया था? ये पहले तो एक चपरासी के पद के लिए मांगा, फिर बाद में टीचर के लिए मांगा, और उसके लिए फौजी सर्टिफिकेट्स भी बनाने के लिए। अच्छा।